वेलकम फ्रेंड्स। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा है डे 10 और आज हम अपन लोग कर रहे हैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो यानी कि आज हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि हमें देखना है कि भाई जेई ने टोटल ये लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सबको मिला के इनमें से कितने क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसे डिलीट नहीं हुआ है। अगर हम लोग फोकस करें तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो जेई ने 2023 में भी जो 2023 है 24 पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे थे। तो 30 क्वेश्चन थोड़े से सॉल्विंग वाले हैं, तो उसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। आज हम लोग पार्ट वन करेंगे जिसमें हम सारे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कवर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बेस पे जेई क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पूछ लेता है, अलजेब्रिक लिमिट्स पूछ लेता है, फिर कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएबिलिटी और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी पर पूछता है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से कि जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा। तो बच्चे, अगर आप लोग ये क्वेश्चन देख पाओ तो आप लोगों को देख के एक चीज का अंदाजा और हो रहा होगा कि भी ये जो भी फॉर्म थी ये 1 raised to power infinity कुछ बन रहा है। तो मेरे को ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अप्रोच क्या लगानी चाहिए? चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, इस सवाल को करने के लिए मुझे अप्रोच क्या लगानी चाहिए? मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि भाई क्यों ना n की पावर 1/sin²t को कॉमन निकाल लिया जाए। तो आपके पास क्या दिखेगा कि भाई अगर n की पावर 1/sin²t को आपने कॉमन निकाला और उस सारे की पावर sin²t आ गई, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो बचा वो बचा 1/n उसकी पावर sec²t प्लस 2/n उसकी पावर को sec²t एंड सो ऑन, ऐसा चलता गया और लास्ट में मेरे पास 1 बच गया और सारे की पावर sin²t बच गया। तो बच्चों, अब मेरी जो लिमिट है वो मेरे को कह रही है कि भाई लिमिट n t जो है, जो मेरा t है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो बच्चे, अगर t 0 को टेंड कर रहा है तो sin 0 0 होता है और cosec 0 कितना होता है? कोसेकेंड 0 कितना होएगा? जरा सोच के देखिए, जब आपने बोला कि 2 की पावर है, इसे चल रही है पावर, तो सारे की पावर 1/2, तो इन्फिनिटी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो रहा है तो इन्फिनिट, 0 का मतलब 1। तो भाई ये तो सारी टर्म मुझे 1 दे रही है, 1 दिया, इसको इसने कट कर दिया, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा? n। तो इस दिए हुए प्रश्न का आंसर जो है वो बी ऑप्शन n आ जाएगा। क्लियर है जी? बहुत ही सीधा सवाल था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर था और देखिए ध्यान से, जब मैंने देखा तो मुझे दिखा कि भाई इसने ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग सारी की सारी लिमिट्स लगा ली। सबसे पहले मेरे को पता है कि 1 - cos²a अगर कहीं पे दिख जाए तो वो sin²a के बराबर होता है। तो आप लोगों को क्लियरेंस दिखाने के लिए मैं इसको सही से लिख लेती हूँ, ये बन जाएगा sin²3x। ठीक है, साइन अपॉन कॉस जो है वो मिलके बन जाएगा 10³ 4x और मेरे पास इनटू में बन जाएगा अपॉन में लॉग ऑफ, ये थोड़ा सा राइटिंग एरर है, 2x को मैं लिख लेती हूँ सही से। अगर मैं सही बनाने चाहूँ तो ये ऐसा लिखूँगी कि 1 + 2x। ठीक है जी, 1 + 2x सारे की पावर जो है वो 5 के बराबर है, कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। तो बच्चों, अब इसके लिए मुझे x² चाहिए और इसके लिए x³। तो जाने कि मैंने x की पावर 5 से डिवाइड करा तो x की पावर 5 से ही डिवाइड कर लेंगे। अब अपना आता है वो बैलेंसिंग वाला मेथड जो मैं हमेशा बताती हूँ। तो भाई इसको 9 चाहिए था, 9 आपने दे दिया, इसको कितना चाहिए था 64, आपने यहाँ पे 64 लिख दिया, और इसको कितना चाहिए 32, तो आपने भी यहाँ पे 32 लिख लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से लेके sin²/9x² ये 1 हो जाएगा, tan अपना 64x³ लेके 1 हो जाएगा और log वाला भी 32x⁵ लेके 1 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा? 9 × 64 / 32, 32 × 2 = 64, तो 18 बना। तो जाने कि इस दिए हुए प्रश्न का आंसर मेरे पास आ रहा ऑप्शन सी ए। बहुत ही सीधा सवाल, अगर ये इस तरीके से मुझे लिखना आ जाए ना, मैं सही में बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे को लिमिट्स है जो मेरे को कभी परेशान ही नहीं करेंगे और मेरा सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मुझे कह रहा है कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि x = 2b इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और fx मुझे दे रखा है कि एक x 2p के बराबर और एक 2p जब बराबर है तो नहीं बराबर, तो मुझे 2p प्लस पे लिमिट निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर में।
तो बच्चे जब आपको ऐसा सवाल दिखा, सबसे पहले इसको देख के मुझे क्या स्ट्राइक करा कि 4 + 2p + q = 0, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 + q = -2p। स्केयरिंग करा तो मेरे पास बन गया 16 + q² + 8q = 4p² के, और इसको अपन ने संभाल के डब्बे में बंद कर लिया। क्या कहते हो, ठीक है ना भाई, कर लिया ना सबने बंद। ये देखिए, इसको आपने संभाल के डब्बे में बंद करके रख लिया कि भाई मेरे पास ये वाली टर्म बन गई है। अब मुझे आगे की बात सोचना है कि आगे मेरे को प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न मेरे को कह रहा है कि भाई मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है 2p + p, राइट। मुझे वैल्यू किस पे निकालनी है, 2p + p। तो मैं ऐसा सोचूंगी कि भाई अगर मेरा जो x है वो 2p + h पे जाएगा तो h 0 को टेंड करेगी, तो इसका मतलब लिमिट जो है वो h 0 को टेंड कर रही है। और अपन बात करें कि मेरे पास बन जाएगा 1 - cos x की वैल्यू हो जाएगी 2p + h का होल स्क्वायर -4p × 2p + h +q² + 8q + 16। क्या कहते हो, डिवाइडेड बाय बन गया 2p + h - 2p⁴, राइट बच्चों, ये इसके साथ कट गया। अब जब आपने इसको अंदर वाली टर्म को सॉल्व करा ना, तो अपन को देखना होगा कैसे सॉल्व होगी। तो ये अल्टीमेटली मेरे को देगी 4p² + h² + 4ph - 8p² कितना दे रहा जी, वो आपको दे रही है -8p² और ये आपको दे रही है -4ph + q² 16, और 8q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4q². तो भाई 4p² तो जब आपने इसको यूज करा ना बच्चों, ये 4p² + 4 और ये कट गया, राइट, 4ph भी कट गया, जाने कि मेरे पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ h², जाने कि ये वाली टर्म जो है कि लिमिट h² h → 0 1 - cos h² जो है ÷ h⁴। ऐसा दिखा। और 1 - cos θ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट h → 0 और मेरे पास बन गया 2 sin² h² / 2 ÷ h⁴ था, 4 by 4 × 4। तो भाई ये भी अपना लेके 1 हो गया, तो आंसर मेरे पास 1/2। और 1/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस प्रश्न ने मेरे को बोला कि भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो भाई कौन सा इंटीजर निकल के आया था, 0। तो इसका जो सही आंसर है वो मेरे पास 0 आएगा। क्लियर है जी। अब मेरे पास आ गया अलजेब्रिक लिमिट्स के बेस पे क्वेश्चन, आओ देखते हैं। सबसे इसके बेस पे जो क्वेश्चन आया वो आपको रूट्स में दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हिट ये करता है कि भाई रैशनलाइज कर दे, बट बहुत टीडियस है, रैशनलाइज क्यों करें और लिमिट भी इन्फिनिटी को टेंड करिए। तो ऐसा सवाल देखते क्या स्ट्राइक करेगा कि भाई जब भी मुझे देखना है तो एक्स की पावर को कॉमन निकालने की कोशिश करूँ, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसमें से एक्स की पावर क्यूब को, होल क्यूब को कॉमन निकालने चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा। अगर मैंने इसमें से x कॉमन निकाला और इसमें से भी x, तो x की पावर 1/2 कॉमन निकाला ना, लॉजिकली उसकी पावर 3 हो गई, तो 3, तो जानेंगे अगर आपको एक में करके बताओ तो मैंने x कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या दिखेगा, रूट में 3 + 1/x + √3 - 1/x, इस सारे की पावर 6 है, ये आपने 1/2 में कॉमन निकाला उसकी पावर 6, तो एक्स क्यूब कॉमन आया। तो इन शॉर्ट अपन लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब कॉमन आया सब टर्म्स में से, इसमें से भी कितना कॉमन आएगा अगर लॉजिकली देखो तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स क्यूब एक उसके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो एक एक्स क्यूब था, एक एक्स क्यूब आपने लिख लिया और नीचे आ गया एक्स की पावर 6 कॉमन, राइट भाई। तो भाई आपके पास कैसा दिखेगा, आपके पास दिखेगा कि मेरे पास होना चाहिए था 3 + 1/x + √3 - 1/x और सारे की पावर 6 + √3 + 1/x - √3 - 1/x और सारे की पावर 6 ÷
वन प्लस अंडर रूट में अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सारे की पावर सिक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट में वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सारे की पावर सिक्स। ठीक है जी, तो भाई लिमिट जो है वो मेरी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ये तो कट गया, तो ये भी ज़ीरो बना, ये भी ज़ीरो बना, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो मेरे पास बचा कितना, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, टू रूट थ्री की पावर सिक्स प्लस टू रूट, ये ज़ीरो बन गया। इन द सेम वे ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई, तो मेरे पास बन गया, ये वाली कैसी दिखेगी, ये दिखेगी वन प्लस वन यानी कि टू की पावर सिक्स, तो अल्टीमेटली टू की पावर सिक्स थ्री की पावर सिक्स बाय टू डिवाइडेड बाय टू की पावर सिक्स, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास थ्री की पावर थ्री, तो भाई कहते हैं इक्वल्स टू 27, तो क्या आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है कि इस दिए हुए प्रश्न का आंसर 27 आएगा। क्लियर है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मेरे को दो स्टेटमेंट्स दे रखी है कि इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सी सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। जब मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले S1 को वेरीफाई कर लेते हैं। S1 में बच्चों अगर 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो आपके पास 1 अपॉन n स्क्वायर है, और अगर 2 कॉमन निकाल लिया आपने तो आपके पास कुछ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n तक दिखेगा, और इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n स्क्वायर हो गया और साथ में 2, और लिमिट जो है वो n टेंड टू इन्फिनिटी है। 2 से 2 कॉमन n स्केयर से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्केयर बना, और जो आपकी लिमिट है n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये 0 आया, इसका आंसर 1 बन गया। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं, S2 पे। तो S2 बच्चों क्या कह रही है मेरे को, S2 में 1 अपॉन n की पावर 16 है, और ऊपर आपको दिख रहा है कि भाई वो समीशन अगर देखूँ तो वो कैसा दिख रहा है, वो r की पावर 15 दिख रहा है, ठीक, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अगर इस r की पावर 16 को अंदर लेके जाना है तो 1 अपॉन n रख लूँ, समीशन r अपॉन n उसकी पावर 15 कर लूँ, तो ये अगर आपको याद होगा कि ये और कुछ भी नहीं, ये किसके बराबर होता है, ये आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 15 dx के बराबर होता है, इसका मतलब x की पावर 16 बाय 16 0 से 1, तो इसने आपको आंसर दिया 1 अपॉन 16, तो ये भी सही दे रहा है। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रही हैं, तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपका इंटीग्रेशन में आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्लियर है जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहते द वैल्यू ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन देखते हो ना, इसके लिए बस एक थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, ये कुछ ऐसी टर्म दे रखी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टर्म कैसी एग्जैक्टली दिख कैसी रही है। अगर आप 3n माइनस 2 में नंबर्स पुट करेंगे तो 1 पुट करा 1 आएगा, 2 पुट करा 3 टू द 6 4, 3 पुट करा 9 माइनस 2 7 एंड सो ऑन, कुछ ऐसी टर्म्स बनेंगे। फिर जब आपने 3n माइनस 1 में 1 पुट करा तो आपके पास 2 बना, फिर 2 पुट करा तो आपके पास 5 बना एंड सो ऑन, कुछ ऐसी टर्म्स आएगी। 3n यानी कि आपके पास आ रहा है कि आपने माइनस 3 माइनस कर दिया, माइनस 6 कर दिया एंड सो ऑन। तो अगर देखा जाए तो इन सारी टर्म्स को माइनस प्लस करके ही मेरे पास ये टर्म बन रही है, तो भाई मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास क्या बन रहा है, 3n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 1 माइनस का 3n, तो डिवाइडेड बाय ये जो भी टर्म दे रखी है 2n 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस अंडर रूट में n 4 प्लस 5n प्लस 4, तो भाई 3n से 3n कट गया, तो 3n माइनस 3 जो है जो मेरे को समीशन की बात कर रहा है। अभी तो इसको लिखना भी नहीं चाहिए था मुझे लॉजिकली, तो मुझे इसको सीधा ये करना चाहिए था ये बनाने के बाद कि जो इसका न्यूमिरेटर है वो मुझे 3n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 1 माइनस 3n दे रहा है, जाने की 3n माइनस 3 दे रहा है। अगर मुझे इसका समीशन करना है 3n माइनस 3 का, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस का 3n, कुछ ऐसा दिखेगा।
अगर ये न्यूमिरेटर बन गया, यानी कि लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी तीन कॉमन आया, मेरे पास दिखा कैसा, कहीं n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n, यानी कि प्लस माइनस का 2n बन गया, नहीं प्लस n बाई 2 माइनस का 2n, कुछ ऐसा दिख रहा है। और डिवाइडेड बाय, बच्चों ये टर्म है, अगर इसमें से n की पावर 4 कॉमन निकलेगा तो बाहर n स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर ओवरऑल बाहर आ गया, तो मेरे पास बचा कितना अंडर रूट में 2 प्लस 4 बाय n क्यूब प्लस 3 बाय n की पावर 4 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 5 बाय n क्यूब प्लस 4 बाय n क्यूब। तो बच्चों जब आपने दोनों को, इसमें से भी n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, न्यूमिरेटर से भी अगर n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कैसा दिखेगा, मान लीजिए मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन n हो जाएगा और ये आपके पास 2 अपॉन n हो जाए। तो भाई ये वाली टर्म भी जीरो और ये वाली टर्म भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये कट गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली कितना बचा, 3 बाई 2 बचा एंड डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1, कुछ ऐसी टर्म दिख रही है, जाने कि आपको जो सही तरीके से दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा है, 3 बाई 2 और रूट 2 माइनस 1 को अगर आपने रैशनलाइज करा तो रूट 2 प्लस 1 हो गया और नीचे 1, तो 3 इंटू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जाने कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर दे रहा है। तो All is about your calculations, all is your about कि आपको फटाफट से कैसे वहाँ पे स्ट्राइक करेगा कि मुझे क्या करना है, क्लियर। फिर मेरे पास बनते हैं क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। ये एक ऐसा सवाल था जो आपको एज इट इज़ वे में आपको दिखा था, जेई में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। भाई क्यों कर दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक एरर था, ये जो लैम्डा बाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है वो गलत था, एक्चुअल में उसको क्या होना चाहिए था, उसकी पावर होना चाहिए था, ठीक है जी। तो अपन इस वाले क्वेश्चन को अब डील करेंगे भी कैसे कह रहे हैं। तो ये करेक्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग आया था, पेपर में टाइपिंग एरर आई थी तो उस चीज़ को फिर स्किप कर दिया गया। तो आपके पास जीरो से पाई बाय टू में अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आपको दिख रहा है कि भाई पाई बाय टू करने से ये क्या बन रहा है, एक की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो ई की पावर लैम्डा बन रही है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स हो जाए और इसकी जो लिमिट है एक्स जो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो आप इसको ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख लेंगे, लिमिट आपकी जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मेरे पास ई की पावर क्या बन गया, लैम्डा, और राइट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास बन रहा है ई की पावर, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास दे रहा है कॉट 6x बाय कॉट 4x, यानी कि कॉज 6x बाय साइन 6x इंटू साइन 4x बाय कॉज 4x। तो भाई अगर इसको सॉल्व करना होता तो मुझे क्या दिखना चाहिए था, कॉज 0 तो इज पाई बाय 2 पे कॉज पाई बाय 2 90 होता है और ये पाई बाय 2 पे क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, तो मुझे इसको चेंज करना है, तो मुझे क्या दिखना चाहिए था इसमें, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या टर्म लेके आनी चाहिए थी, क्या मुझे इसको टेन में, मुझे इसके इच्छा मेथड टेन नहीं दिख रहा कि मैं इसको टेन 4x बाय क्या लिख लूँ, टेन 6x लिख लूँ ना, टेन 6x लिख लूँ, तो भाई x से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई 6 से, तो मेरे पास क्या बन रहा है कि e की पावर जो होनी चाहिए थी वो 2 बाई 3 होनी चाहिए थी, यानी कि e की पावर लैम्डा, तो बच्चे लैम्डा की वैल्यू 2 बाई 3 बन गई। बोलो भाई, थोड़ा आपको दिखा देते, जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे तो आपके पास बन गया कि भाई e की वैल्यू जो है वो 2 बाई 3 बन गई, और अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो ये म्यू के बराबर भी है, यानी कि ई की पावर 2 बाई 3 जो है वो म्यू के बराबर भी होगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एज पर द एक्सप्रेशन, जब मैं इस एक्सप्रेशन पे जाऊंगी तो 9 की पावर लैम्ड 9 इंटू 2 बाई 3 प्लस 6 लॉग ई टू ई की पावर 2 बाई 3 प्लस म्यू म्यू की पावर 6, यानी कि ई की पावर 2 बाई 3 और उसकी पावर 6
माइनस ई रेस टू पावर 6 इंटू लैम्डा की वैल्यू 2/3। ठीक है भाई, तो बच्चों ये बन गया 3 3 9, तो ये बन गया 6, और इसने पावर आगे दी तो प्लस 6 इंटू 2, तो ये बन गया 4, माइनस ये बन गया e की पावर 4, और इसने कितना दिया 3 2 6, तो माइनस e की पावर 4, ये कट गया, तो इसका करेक्ट आंसर 10 के बराबर आया। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था तो 10 आंसर आया। क्लियर, कैलकुलेशंस के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगला कहते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन इक्वल्स टू x, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल माइनस 2 से 1 के बीच में देखना है वेयर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। बच्चे इस फंक्शन को ना पहले अपन को ब्रेक करना होगा। कैसे भाई? इस चीज को देख के ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखें कि माइनस 2 से जो x है वो जा कहां तक जाएगा? माइनस 1 तक, फिर माइनस 1 से 0 तक जाएगा, फिर 0 से 1 तक जाएगा, यही मेरी फाइनल लिमिट है। तो अब जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात हुई, तो ये देखिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो कितनी वैल्यू देगा जब माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में लाई करेगा, तो माइनस 2 ही देगा। तो जैसे ही वो माइनस 2 देगा तो माइनस 2 का मॉडुलस आपके पास पहले वाले इंटरवल में 2 बन जाएगा, प्लस ग्रेट इसके रूट के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, x कितना है ये x, और आपके पास कितना बना प्लस 2। ठीक है जी, यानी कि जब x मेरी माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में लाई करी थी, फिर माइनस 1 दिया यानी कि प्लस 1, अंडर रूट में मेरे पास बन गया x प्लस 1, जब माइनस 1 से कहां तक लाई करी थी 0 तक, फिर 0 से 1 में, तो इसने मुझे दिया 0 प्लस अंडर रूट में सिर्फ x बचा और मेरे पास बन गया 0 से x 1 तक। अब आपको देखना कि कितने ब्रेक पॉइंट है बच्चे, एक माइनस 1 और एक 0, दो ब्रेक पॉइंट है। तो आप जब देखोगे कि माइनस 1 से लिमिट जब चेक करी 1, तो भाई मेरे पास कितना आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, जब माइनस 1 से ज़्यादा पे चेक करी तो 1 आ रहा है, तो जाने कि सबसे पहला पॉइंट वो मेरे को माइनस 1 दे रहा है डिसकॉन्टीन्यूटी का। फिर 0 पे चेक करो, 0 पुट करते इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, 0 पुट करते इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, फिर दूसरा पॉइंट वो डिसकॉन्टीन्यूटी का दे रहा है 0, तो जाने कि कितने पॉइंट्स मेरे पास डिसकॉन्टीन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आए 2 आ गए जी सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये बड़े कॉमन टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने अपनी बेसिक एनसीईआरटी में भी देखे होते हैं, उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन बन जाता है कि भाई y ऑफ x जो है वो x की पावर x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ता है। तो बच्चे लॉग y जो है वो x लॉग x के बराबर है, डेरिवेटिव ले लेते हैं 1 अपॉन वाई, वाई डैश जो है वो x अपॉन x प्लस लॉग x के बराबर है, यानी कि y डैश की जो वैल्यू है वो 1 प्लस लॉग x इंटू वाई के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि y डैश जो है वो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x के बराबर है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका डबल डेरिवेटिव भी लेना है। जब मैंने इसका डबल डेरिवेटिव लेना तो मैं कैसे लूँगी, मैं इसी को दोबारा से डेरिवेटिव करूँगी, तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू x की पावर x का पूरा डेरिवेटिव, ये पूरा बन गया राइट। तो भाई आप लिख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव ये अगेन आएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है जी, प्लस log x और x की पावर x का करने, तो एक बार x की पावर x एज इट इज रखा, log x का 1 अपॉन x प्लस log x को एज इट इज रखा, तो मेरे पास फिर से ये पूरा डेरिवेटिव आएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब एज पर द क्वेश्चन मुझे किस पे वैल्यूज निकालनी है, 2 पे। तो बच्चे सबसे पहले y डैश को 2 पे कैलकुलेट करेंगे, 2 को पुट करेंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस log 2 यानी कि 4 इंटू 1 प्लस log 2 बना। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 1 प्लस log 2 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस log 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस log 2। अब हमें ये सब सॉल्व करना है, यानी कि मेरे पास अगर 4 log 1 प्लस log 2 कॉमन आ जाए तो मेरे पास बचेगा कितना, 1 माइनस log 1, अगर ये कॉमन आ जाता है तो 1 प्लस log 2 बच जाएगा,
और प्लस मेरे पास बन गया 2, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास वैल्यू बन गई y डबल डैश की और ये बन गई y डैश की। अब मेरे को y डबल डैश से 2y ऑफ इसको माइनस करना है, तो जैसे इसका ट्वाइस करके अपन माइनस करेंगे तो आपके पास एक टर्म बनेगी। देखिए कैसे, देखते हैं, लेट मी शो यू। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, y डैश निकाला आप लोगों ने करेक्ट वे में, फिर y डबल डैश निकाला, ठीक है जी। तो जैसे ही अपन ने y डबल डैश निकाला, हर किसी का अपना अपना वे आउट हो जाता है, तो जैसे ही अपने इसको वैल्यूज पुट करोगे, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी कि y डबल डैश 2 माइनस 2 y डैश 2 करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर बच्चों? अब अगला सवाल, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखिए, x इंटू वाई एक अलग फंक्शन है, y इंटू एक्स अलग है, इसको अलग से लॉग लेके सॉल्व करेंगे, इसको अलग से लॉग लेके दोनों की वैल्यूज को लाके यहाँ पे पुट करेंगे और जो डेरिवेटिव आएगा उसको 2,2 पे चेक करेंगे। तो बच्चे अगर x की y को मुझे चेक करना है, लेट इट बी p, तो मेरे पास कितना बनेगा, y log x जो है वो log p के बराबर बन जाएगा। तो y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx जो है वो मेरे पास 1 अपॉन p dp अपॉन dx बन जाएगा, यानी कि dp अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मेरे पास p, यानी कि x रेस टू पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx बनेंगे, ठीक है जी। इन द सेम वे मैं अगर इसको p लिया था, इसको q ले लेते हैं, तो मेरे पास q जो y रेस टू पावर x है अगर वो q के बराबर है, तो x log y जो है वो log q के बराबर होगा, यानी कि x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q dq अपॉन dx। तो भाई जब आपको ऐसा दिख गया तो आप क्या करने वाले हो, आप बोलोगे कि मेरे पास dq अपॉन dx जो है वो q इंटू x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y के बराबर दिखेगा, ठीक है जी। q की वैल्यू आपके पास है y की पावर x इंटू x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। तो भाई अब कुछ नहीं करना, अगर आप देखोगे इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2dp अपॉन dx प्लस 3dq अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, इनको 2,2 पे सब्सिट्यूट कर देना। क्लियर है जी? तो जैसे ही मैं इसको सब्सिट्यूट करूँगी फाइनली, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, वो आपको क्लियरली मिल जाएगा। अगला सवाल, जब मुझे ऐसा क्वेश्चन करना हो तो करने के तो तरीके बहुत होते हैं, मुझे इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मेरे को इजी वे में क्या सोचना है, इजी वे में ये सोचना है कि भाई मेरे को ये पता है कि कन्वर्जन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन सिंगल एंटिटी, तो मैं अगर इसको रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर दूँ इतनी सी इक्वेशन को, तो क्या ये मुझे रूट टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4 दिखेगा माइनस रूट टू। इन द सेम वे डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 5/4 दिखेगा, क्या कहते हो? जैसे ही मुझे ऐसा दिखा तो मैंने इसका रूट टू, तो इससे भी मेरे को एक और हिंट अप आया कि भाई मुझे साइन में नहीं, मुझे कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा कट जाती चीजें, तो कॉट में जैसे मैंने करा कॉस में, तो मेरे पास ये कॉस एक्स माइनस 5/4 दिखेगा बच्चों। रूट टू कॉमन निकल के कट गया, तो लॉजिकली आपके पास कितना बना, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 5/8 डिवाइडेड बाई टू साइन एक्स बाई टू माइनस 5/8 इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस 5/8। तो बच्चे एक साइन भी कट गया, टू भी कट गया, तो जाएंगे माइनस 10 एक्स बाई टू माइनस 5/8 मेरा फाइनल फंक्शन आ गया, ये मेरा एफ एक्स आ गया। देखो जैसे ही आपके पास ये एफ एक्स आया, अब आपको क्या लेना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना बनेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस वन बाय टू सीकेंड स्क्वायर
x by 2 minus pi by 8, ठीक है जी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो भाई सीकेंट स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, f डबल डैश x करना होगा। तो ये मेरे को दे देगा कि भाई माइनस वन अपॉन टू एज इट इज 2 सीकेंट x बाय 2 माइनस पाई बाय 8, सीकेंट का सीकेंट होता है, इंटू 10 पाई x बाय 2 माइनस पाई बाय 8। तो अब मुझे क्या करना है, इस दिए हुए प्रश्न का आंसर निकालना 7 पाई बाय 12 पे। अब इसमें क्या क्या चीज़ अपन सोच सकते हैं कि भाई ये जो f डबल डैश x है वो लॉजिकली मेरा किसके बराबर है, माइनस 10 के। माइनस ऑफ 10 अगर वो उसके साथ कैप्चर कर लेगा तो f डबल डैश x, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू माइन, अगर माइनस उसके साथ तो f डैश f ऑफ x बन जाएगा, इंटू अगर माइनस उसने ले लिया तो मेरे पास 1 अपॉन 2 सीकेंट स्क्वायर, ये पूरी वाली टर्म जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसके साथ 2 आ जाएगा और मेरे पास नेगेटिव ऑफ 2 f डैश x के बराबर होगा। अब मुझे सोचना भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि भाई मेरे को इसको 7 पाई बाय 12 पे कैलकुलेट करना है। पहले इसको 7 पाई बाय 12 पे कैलकुलेट कीजिए। अगर मेरे को इसको 7 पाई बाय 12 पे कैलकुलेट करना है तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा हम अपन ने कर लिया, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बना, ये सेकेंड डेरिवेटिव बना। तो भाई एफ पाई बाय 6 जैसे ही आपने पुट करा बच्चों, जैसे ही 7 पाई बाय 12 पुट करा, देखिए आपने अपने फंक्शन में पुट करा तो आपको कितना देगा, 7 पाई बाय 12 तो 7 पाई बाय 24 पाई बाय 24 माइनस पाई बाय 8। तो बच्चों 24 एलसीएम आएगा, 7 पाई माइनस 3 पाई बन जाएगा, यानी कि वो मेरे को दे देगा 4 पाई बाय 12 24, यानी कि उसने मुझे पाई बाय 6 दे दिया। तो पाई बाय 6 पर वैल्यू आ गई। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई x बाय 2 माइनस पाई बाय 4 को सॉल्व करके मेरे पास पाई बाय 6 बन रहा है। बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। क्या कहते हो, क्वाइट सिंपल, बस वो मेरे को स्ट्राइक करना चाहिए था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, फॉर द डिफरेंशियबल फंक्शन, फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 एंड गोज टू r। ये मुझे कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, फटाफट मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई मेरे को अगर ये दे रखा है 3fx प्लस 2 इंटू एफ ओ 1 अपॉन x जो है वो 1 अपॉन x माइनस 10 के बराबर है, और अगर मैं x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दूं तो बच्चों मेरे पास क्या दिखेगा, मेरे पास दिख जाएगा 2 ऑफ एफ एक्स प्लस 3 ऑफ एफ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x माइनस 10। पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मुझे एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है लॉजिकली। तो अगर मैं इसको 3 से कर दूं और इस इक्वेशन को 2 से कर दूं तो मेरे पास 9 माइनस 4 5 बनेगा, 5 ऑफ एफ एक्स, और ये मेरे पास 3 जाएगा, यानी कि 3 अपॉन एक्स माइनस 30 माइनस 2x प्लस 20। तो अल्टीमेटली 5 ऑफ एफ एक्स जो है वो मेरे पास 3 अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस 10 के बराबर आया। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। और अगर मेरे को एफ एक्स पूरा का पूरा देखना हो तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, 3 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5x माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव भी चाहिए मुझे, तो f डैश x इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 3 अपॉन 5x स्क्वायर, और इसका आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 5। इसकी वैल्यू 3 पे चेक करेंगे, f ऑफ 3, तो भाई मेरे पास कितना आ रहा है 3 पे, 3 अपॉन, तो 1 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2, यानी कि अगर 5 करते तो एलसीएम आता माइनस, तो माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस मेरे पास बनेगा 3। f डैश 1 अपॉन 4 पे चेक करना है तो मेरे पास आएगा माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 16 माइनस 2 अपॉन 5, राइट बच्चे। तो भाई 1 अपॉन 5 में कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस 3 अपॉन 16 माइनस 2, तो जब मैंने 1 अपॉन 5 कॉमन लिया तो 16 एलसीएम आ गया, माइनस 3 माइनस 32, तो अल्टीमेटली मेरे पास बना माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5, 5 7 ना 35, तो माइनस 7 बाय 16। मुझे इन दोनों का एडिशन करना है,
तो -7/16 और मेरे पास है -3, इनका मुझे मॉड्यूलस लेना है। तो मेरे पास कितना बनेगा, 16 3 48 में 7 ऐड करा 55, तो मेरे पास बना जाने के -55/60। तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन मैच हो रही है? नहीं, दैट मीन्स वी जस्ट लैग्ड इन द कैलकुलेशन। अगर अपन देखेंगे तो अपन के पास ये बना था, राइट? आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, आपके पास ये डेरिवेटिव आया, हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू थी -10, 15 और 3, -3 ही आई थी। तो आई गेस अपन दूसरे वाली वैल्यू में कहीं लैग कर गए इस वाली वैल्यू में। तो अगर मेरा ये डेरिवेटिव आया था, इसको अगर इजी वे में अपन देख ले कि भाई कैलकुलेशन की प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को भी, तो मुझे इसको सही तरीके से क्या लिख लेना चाहिए था मुझे इसको लिख लेना चाहिए था -1/5, तो ये दिखता 3/(x²) - +2। अब मेरे को 1/4 पे चेक, ओह माय गॉड, मुझे 1/4 पे चेक करना था और मैंने 1/4 नीचे ही पुट कर दिया। इसीलिए f-1/4 बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, -1/5, तो ये बन जाएगा 13 × 16 + 2। दैट मीन्स मेरे पास बन गया -1/5 × 50, तो -10 बना। तो कैलकुलेशन तो क्वाइट ईजी हो गई, हमने उसको गलत वैल्यू को पुट कर दिया था। तो जब ये मेरे पास बना, तो मेरे पास बना -10 - 3 का मॉडुलस, दैट मीन्स 13। तो भाई ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, 13। क्लियर है जी? अगला सवाल कहते हो मेरे को एक fx दे रखा है, एक gx दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी कभी लगता है कि बड़ा टीडियस हो जाएगा और कभी कभी बड़ा ईजी हो जाएगा। मुझे देखिए, मुझे ध्यान से लिखते हैं कि fx जो दे रखा है वो है x²+g-1/x + g" (2), और मेरे को gx जो दे रखा है वो है f1x²+xf'x + f"x। तो मुझे कुछ इस तरीके से इनसे डील करना है कि भाई मेरा कुछ बन जाए, मुझे f4 - g4 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे सोचे कैसे, मतलब क्या बन सकता है कि भाई मेरे को सबसे पहले g-1 इसकी वैल्यू चाहिए, g-2 की भी चाहिए और इधर से f' भी चाहिए। तो लेट मी शो यू वन थिंग कि भाई आपको fx दे रखा है, आप अपने fx का डेरिवेटिव कर लीजिए फर्स्ट और सेकेंड। पहले तो उसको सॉर्ट करते हैं ना कि जिस टर्म में मुझे दिख रहा है, क्योंकि g की टर्म्स में तो 1 नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा, 2x + g-1 आ जाएगा। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लीजिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बनेगा। इन दोनों वैल्यूज को हम ले जाते हैं अपने gx के पास। तो जैसे ही आप अपने gx के पास लेके गए, तो आपके पास जो gx है वो कुछ ऐसा दिखा, f1 तो एज इट इज रहा x²+x, f'x की वैल्यू है x·2x + g-1, राइट? प्लस f" की है 2। और अगर पहले वाली टर्म में भी मैं 1 पुट कर देती, x को रिप्लेस कर देती, तो f1 की वैल्यू भी आ जाती। क्या कहते हो? तो f1 की वैल्यू भी आ जाती। लेकिन अभी वी नीड टू स्टॉप, यहीं पे रुकते हैं। अब इनको कंपेयर करके मुझे ये सोचना है कि वैल्यू निकलेगी कैसे। आपने क्या करा, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, आपने अपना g- निकाल लिया, ये वैल्यूज पुट करी थी। अब अपन क्या करेंगे, इस g- का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, जहाँ पे आप लोग पहुँच गए। तो जैसे ही आप लोग पहुँचे, अपन ने क्या करा, अपन ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया g-x, इसने दिया 2f(x)·f1 प्लस इसने देना है आपको 4x + g-1। और इसी का सेकेंड डेरिवेटिव जब आपने लिया, तो आपने इसने आपको दिया कि 2f1 दे देगा और प्लस 4 दे देगा। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ से देखना है कि भाई कौन सी चीज़ों को यूज़ करके मेरी वैल्यूज बन सकती हैं। f" की वैल्यू 2 है, g" की x की वैल्यू इतनी है, ठीक है जी? तो आपने अब क्या करा, यहाँ तक आपने बना लिया, आपने ये सब वैल्यूज बना ली।
अब फर्स्ट डेरिवेटिव में जब वन पुट करोगे, जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में वन पुट करोगे तो आपके पास आंसर मिलेगा। तो जैसे ही आपने जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में वन पुट करा तो जी डैश वन जो है वो आपको क्या देगा, टू एफ वन प्लस फोर प्लस जी डैश वन। तो बच्चे जी डैश वन कैंसिल हो गया, जाने के आपको टू ऑफ एफ वन प्लस फोर जो है ज़ीरो आ गया, जाने कि एफ वन की वैल्यू आपके पास माइनस टू आ गई। जब ये यहाँ पे पुट करा तो जहाँ से जी डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास ज़ीरो आ गई, ठीक है जी, जी डबल डैश की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई और आपके पास एफ वन की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस टू। अब मेरे को निकालना है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है जी। तो जी डबल डैश, अगर मेरे पास जी वन की वैल्यू अभी नहीं निकली, आपके पास एफ वन की वैल्यू निकली है, तो आप अब क्या करोगे, आपने ये वैल्यू निकाली, जी डबल डैश ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाएगा, आपने जी फर्स्ट डैश की डेरिवेटिव निकाली, आपके पास फाइनल फंक्शन बन गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव में टू एक्स माइनस थ्री है। अब अगर डेरिवेटिव से फंक्शन मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको इंटीग्रेट करना होगा। मैंने इंटीग्रेट करा, इन द सेम वे जी एक्स का भी फंक्शन बन गया, तो ये फाइनली मेरे पास आंसर बन गए। फोर पे वैल्यू चेक करी तो आंसर 14 आ गया, क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है कि भाई ए बिलोंग्स टू इंटीजर, टी इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 13x इज नॉट डिफरेंशियबल, जहाँ पे वो डिफरेंशियबल नहीं होता। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो भाई एफ एक्स जो है वो मुझे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 13 साइन एक्स, ठीक है जी। इसको मैं ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 साइन एक्स दे सकती हूँ, जाने कि इसने मुझे ये बता दिया कि भाई जो इसकी वैल्यू है वो 1, 2, 3 अप टू सोन 13 तक जा सकती है, ठीक है। तो जब ऐसा उसने बता दिया कि 13 तक जा सकती है, तो यहाँ से मेरे जो डिफरेंशियबिलिटी के, नॉट डिफरेंशियबल के पॉइंट्स हैं वो मेरे पास होंगे 2 × 12 + 1, जाने कि 25 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल है कि k एंड m आर द रियल नंबर्स, और मुझे दे रखा है कि भाई ये फंक्शन है ये डिफरेंशियबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो बच्चे वो कॉन्टीन्यूस भी डेफिनेटली होता है। अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं तो ये आपको दे रहे हैं कि भाई 3 + k√2 इज इक्वल्स टू m प्लस k स्क्वायर के, पहली चीज इन्होंने आपको ये दे दी। और अगर ये डिफरेंशियबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी बराबर होंगे, तो आपके पास 6x प्लस k अपॉन 2 अंडर रूट में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2mx प्लस 0 इसके बराबर होगा। अब x की वैल्यू भी 1 है, यानी कि आप बोलोगे 6 प्लस k अपॉन 2√2 इज इक्वल्स टू 2m के बराबर होगा। तो 2m बच्चे यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल के काट दोगे तो आपके पास कितना बनेगा, आपके पास यहाँ से m की वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, या k की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर कुछ और भी सोच सकते हो। मुझे यहाँ से अल्टीमेटली एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, मुझे दोनों से m और k को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने करा कि भाई इसका लिमिट्स बराबर है, आपने करा इसका डेरिवेटिव बराबर है, ये दो इक्वेशंस आपके पास बनी थी। तो जैसे ही आपने इन दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन आपके पास ये बनी और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आई थी, ठीक है जी। सो दोनों इक्वेशंस को जब आपने इसको m निकाल के इसमें सॉल्व करा, पुट कर दिया और k सॉल्व करा, तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, या तो 7/4√2 या फिर 0। अगर k 0 हो जाता है तो m 3 आ जाता है, तो वही दूसरी वाली वैल्यू से m निकल गया। और जैसे ही m निकला उसके बाद तो क्या ही था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको 8 पे चेक कर लिया, f डैश का सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको किस पे चेक कर लिया, 1/8 पे, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि भाई f 8 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव, और f डैश 1/8 का मतलब है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें,
तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से m की वैल्यू यहाँ के पुट कर लीजिए, k को सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू सॉल्व करते m को कैलकुलेट कीजिए। जैसे ही m आ जाएगा, k और m को यूज़ करके आप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव 8 पे और 1/8 पे चेक कर लेंगे, क्या कहते हो। तो आई गेस इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं। ये हमारे कुछ थे 20 के करीब सवाल, अब हमारे बड़े हैं 10 सवाल। वो 10 सवाल ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी जाएगी, उनको अपन नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे, यानी कि पार्ट टू में फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले मस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स जो भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं लिमिट्स डेरिवेटिव के, राइट। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट होंगे तभी तो PYQs होंगे, और PYQs होंगे तभी तो JEE मेंस क्लियर होगा, क्या कहते हो। तो ये PYQs इज अल्टीमेटली एक प्रैक्टिस है मेरे को अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, ठीक है जी। तो सब लोग डेफिनेटली कीप ऑन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स और PYQs को करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट टू के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।